सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम शॉर्ट्स। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, आज हम लोग के हाथ में है ये सेल्फी स्टिक R1S, जिसको हम लोग मीशो से खरीदे हैं और इसका पैकिंग वगैरह भी अच्छे से किया हुआ है। जे इसको हम लोग 188 रुपए में खरीदे हैं। तो अब आज हम लोग करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, और अगर ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड कॉल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई देखिए, यहाँ पर हम लोग करेंगे इसका अनबॉक्सिंग। अब हम लोग इसके ऊपर वाले बॉक्स को हटाएंगे तो अंदर एक और बॉक्स निकलेगा, इसी में हम लोग का जो है सेल्फी स्टिक जो पैक किया हुआ है। तो अब हम लोग इसको खोलेंगे। ये देखिए गाइज, ये हमारा सेल्फी स्टिक जो कि स्काई ब्लू कलर में है, और इसके साथ हम लोग को एक छोटा सा बुक और डाटा केबल भी मिला है। तो पहले इस बुक का तो हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग सेल्फी स्टिक को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसका हम लोग का अभी कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज है। और देखिए, ये है डाटा केबल जिसको हम लोग लाइट चार्जिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग लगाएंगे तो लाइट चार्ज होगा, यहाँ पर लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस, जब हम लोग ओपन करेंगे ये ट्रिपॉड सेल्फी स्टिक, तो चलिए ओपन करते हैं इसको। तो गाइस, इसमें पहले तो लाइट है ऊपर में, आप लोग को दिख ही रहा होगा वाइट कलर में। तो देखिए, लाइट जला कर दिखाता है। देखिए, इसका ब्राइटनेस हाई और लो भी होता है। अभी यहाँ पर बंद हो गया ये। और गाइज, इसमें तो एक आप लोग को ब्लूटूथ डिवाइस भी देखने को मिलेगा। रुकिए, आप लोग को दिखाता है। पहले देखिए गाइज, ये इतना लंबा भी हो सकता है, इसको आप लोग अपने मतलब हाइट के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग ओपन करेंगे इसका ब्लूटूथ डिवाइस। देखिए, पहले इसको खोलते हैं थोड़ा सा। हाँ, अभी इसका ब्लूटूथ डिवाइस निकालेंगे। गाइज, इस पर आप लोग को कैमरा वाले ऑप्शन पर टैप करके रखना होगा, तभी ये ब्लूटूथ डिवाइस ऑन होगा और ऐसा लाइटिंग जलने लगेगा। तो इसको बंद करने के लिए आप लोग को इसी पे क्लिक करना होगा। देखिए, मेरा थोड़ा रुक जाइए। हाँ, देखिएगा, जब ये बंद हो गया है, देखिए ये बंद हो गया। तो अब हम लोग इसका हम लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट कर आपको इस पर टैप करके ही आप अपने फ़ोन में कैमरा ऑन कर सकते हो। और गाइस देखिए, इसको हम लोग खड़ा करके ट्रिपॉड के साइज़ में भी यूज कर सकते हो, और इसको भी हम लोग ज़्यादा ऊँचाई तक ले जा सकते हैं, जैसा आप लोग जैसा साइज़ के हिसाब से वीडियो बनाना चाहते हैं। जितना हाइट पर आप लोग बैठे हो या खड़े हो, उस हिसाब से आप लोग इसको रख सकते हैं। तो गाइज, आप लोग को यहाँ पर मैं एक और सिस्टम इसमें दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, दिखाता हूँ उससे पहले। देखिए गाइज, इसको आप लोग इसमें स्क्रू दिया हुआ है, इसको आप लोग कम ढीला और करके इसको जो ऊपर वाले जो हेडलाइट है उसको हिला सकते हैं और इधर उधर कर सकते हैं, जिस टाइप में आपको वीडियो बनाना है फ़ोन के हिसाब से। और यहाँ पर आप लोग अपना फ़ोन रख सकते हैं ऐसे। देखिए, अगर आप लोग का फ़ोन का साइज़ कम है तो यहाँ पर इसको नीचे ले जाके भी फ़ोन का अपना जो साइज़ के हिसाब से इसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो भाई, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू।